हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। क्वेश्चन नंबर 16 से आज मैं शुरुआत करने वाला हूं। उससे पहले डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। जो एक्सरसाइज 5.3 चल रही है, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है, ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज रेस्ड 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। हर एक प्राइज की वैल्यू बतानी है। मतलब देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझिए। 700 रुपए की टोटल प्राइज उसने रखी है और टोटल वो कितनी प्राइज दे रहा है, 7 प्राइज दे रहा है। मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 7, 7 ही प्राइज दे रहा है। और एक चीज और दे रखी है इसमें कि हर जो प्राइज है वो अपने पहले वाली से 20 कम है। मतलब मान लो किसी को पहला प्राइस 100 रुपए लगा है तो अगला कितना होगा, 20 कम, अगला कितना होगा, 60। तो इस तरह से ये डिवाइड है, ठीक है। अब यहां पर ये हमारे पास क्या हो गया कि 20 रुपए हर में डिफरेंस आ रहा है। मतलब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बना दिया है, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया है, सम की वैल्यू भी दे दिए है हमें। अब हमें बताना क्या है, हमें वो सारे टर्म्स बताने हैं, ठीक है, सारे टर्म्स बताने हैं 7। अब इसकी जो जनरल फॉर्म होती है एपी की, मैं शुरू से बता रखी है आपको, ए प्लस 2b ए प्लस 3d ये 7 टर्म्स की, ये हमें इनकी वैल्यूज बतानी है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। मैंने स्टार्टिंग से बहुत अलग तरीके से बताया हुआ है, हमें जो निकालना है ना, सबसे पहले वो लिखो कि हमें निकालना क्या है। अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या चीजों की जरूरत है हमें और क्या क्या हमें पता है, ये चेक कर लो आप जल्दी से 5 सेकंड में। देखिए ए हमारे पास कहीं नहीं दिया हुआ है तो ए हमें चाहिएगा, ठीक है, ए हमें चाहिए। डी हमें दे दिया है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को निकालने के लिए प्रथम पद पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म हमें पता होना ही चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, इन्हीं सबसे हम ये निकालेंगे। कैसे, SN दे रखा है 700। फॉर्मूला SN का क्या होता है, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। सारी वैल्यूज रख दीजिए, a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ये देखिए कितना दे रखा है 700, n कितना है 7/2, ये एज इट इज रहेगा। n की वैल्यू है 7, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6, और d की वैल्यू कितनी है 20 × 20, इतना हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए 700 बराबर 7/2 2a प्लस 120। अब 2 से देखिए ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। अब हमारे पास कितना बचेगा, इधर देख लीजिए 700 बराबर 7 इंटू ए प्लस 60। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 700, ये कितना आ जाएगा 7 ए प्लस, ये कितना आ जाएगा 420। अब देखिए माइनस कर दीजिए तो 7 ए बराबर कितना बचेगा 700 माइनस 420। यहां से क्या करना है, यहां से आप ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते बताइए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और यहां पर मैं कर देता हूं, रफ कर देता हूं। 7 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कीजिए 10 में से 0 का 0 हो गया, 10 में से 2 गए 8 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे। अब क्या करना है, बिल्कुल सिंपल हो गया ना, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 × 28 40 आ गया हमारे पास। अब देखिए अब इसको बिना किसी उसकी जरूरत के हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40 आ गई, ठीक है। यहां से a हमारा 40 आ गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड के पास कितना बचेगा, इतना बचेगा, सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इस क्वेश्चन में। क्या हमें माइनस 20 लेना था, क्योंकि कम हो रहा है, ठीक है, हर अगले वाला का कम होता जा रहा है, तो सिर्फ ये चेंज हमें यहां पर करना पड़ेगा। डी में चेंज करेंगे तो ये साइन भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये साइन यहां पर माइनस होगा तो ये साइन यहां पर प्लस होगा। सिर्फ इतना सा चेंज आएगा कि ये प्लस हो जाएगा, ये यहां पर माइनस होगा, ये यहां पर माइनस होगा, सिर्फ इतना सा चेंज है। फिर ये दोनों ऐड होंगे और ये दोनों ऐड होंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इसमें 7a बराबर 1120। अब a की वैल्यू क्या आएगी, 7 × 7 और 7 × 42, ये a की वैल्यू आ गई। अब आराम से निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि पहला व्यक्ति के पास 160 मिल रहा है, दूसरे के पास कितना मिलेगा, दूसरे के पास मिलेगा 140 क्योंकि 20 कम होते जा रहे हैं, तीसरे के पास कितना मिलेगा 120, फोर्थ के पास 100, उसके फिफ्थ के पास 86 के पास इतने और 7th के पास ये आएगा। तो ऐसा कुछ बनेगी हमारे पास, 7 लोगों को ऐसे इस वे में डिवाइड होगी।
अभी आप इसको मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है 20 कम करके, आप a a प्लस डी ए प्लस टू डी उसमें रख के देख लीजिए, ये वैल्यू सारा यही आने वाला है। तो देखिए इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हमें ट्राई करना है, हमें दिया क्या हुआ है, सबसे पहले ये देखना हमें दिया क्या हुआ है और हमें पूछा क्या है, जो हमें पूछा है उसमें कमी क्या क्या है वो हमें कहां से निकालनी होगी जो हमें दिया हुआ होता है। किसी भी क्वेश्चन को करने का यही एक तरीका होता है, हमेशा बेस्ट अप्रोच यही मानी जाती है। और अगर आपका बेसिक क्लियर है, ठीक है, अभी जैसे अर्थमेटिक मीन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम निकाल रहे हैं, इसके अगर आपको तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। बोर्ड एग्जाम्स में सारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से।